गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी तक हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने कल प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लिया था और संविधान का भाग एक पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो लेक्चर है इसमें हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के भाग तीन में किया गया है। काय में किया गया है? भाग तीन में। भाग एक में था भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता कैसे मिलती है, किस तरीके से जो है वो नागरिकता से संबंधित कामकाज होते हैं, वो सारी चीजें उसमें हैं, है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं भाग तीन की, तो भाग तीन जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। काय के बारे में बात करता है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो हम इसको व्यवस्थित तरीके से समझना शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट होता क्या है, ये किस तरीके से लीगल राइट यानी कानूनी अधिकारों से अलग होता है, लीगल राइट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर होता है, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के दौरान भी पूछ लिए जाते हैं, मुख्य परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है इसमें आने की संभावना रहती है। तो पहला हम लोग इसमें समझेंगे कि ये होता क्या है, अर्थ, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक, लिखेंगे, यह ऐसी अनिवार्य एवं आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनकी उपस्थिति के बिना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, है ना। सच अ एसेंशियल एंड नेसेसरी कंडीशंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एनी पर्सन, राइट। तो ऐसी अनिवार्य और आवश्यक परिस्थितियां जिनकी उपस्थिति के बिना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, ऐसी अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगले पॉइंट लिखेंगे, इन्हें संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन्हें संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, साथ ही साथ संविधान इनकी गारंटी देता है ना। ये संविधान की गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं है। संविधान इनकी क्या देता है? गारंटी देता है। यदि इनका उल्लंघन हो जाता है तो संविधान उपचार प्रदान करने की बात कहता है। यदि इनका उल्लंघन हो जाता है तो संविधान काय की बात करता है? उपचार। अब मैंने दो तीन बातें कही आपसे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला, अनिवार्य और आवश्यक परिस्थितियां हैं, अगर ये नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। दूसरा, संविधान इनकी क्या देता है? गारंटी, मतलब ये मिलेंगी मिलेंगी, कुछ हो या ना हो आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी। ठीक, तीसरी बात,
अगर ये नहीं मिली तो उपचार दिया जाएगा। अब ये उपचार क्या होता है? अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना लोअर कोर्ट ना हाई कोर्ट, कुछ नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ। और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। और छोड़ो, अब तो नया मामला है, आप नहीं जा पा रहे हो, चिट्ठी लिख दो तो सुनेगा वो, मना नहीं कर सकता है ना। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, सुना है नाम इसका, PIL, जॉली LLB मूवी देखी है, सुंदरलाल त्रिपाठी जज होता है ना उसमें, तो जॉली LLB पहली वाली या दूसरी वाली आप देखेंगे तो उसमें एक जनहित याचिका यानी PIL फाइल करता है वो। आप लोग मूवी देखते हो सिर्फ टाइम पास के लिए, उसके चीजें की पीछे की जो चीजें है ना उनको भी देखो आप। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ये एक बहुत बड़ा हथियार है साहब। इस हथियार का प्रयोग करके आप किसी को भी घुटनों पे ला सकते हो अगर कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है। जनहित याचिका, सपोज करिए कि सरकार ने नियम बना हुआ है कि कोई भी स्कूल हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, इंटरनेशनल का भी सुपर इंटरनेशनल हो, राइट टू एजुकेशन के तहत उसमें कुछ प्रतिशत में गरीब बच्चों को आपको फ्री में एडमिशन देना ही। कोई कितनी भी पॉश कॉलोनी हो, कितनी भी पॉश कॉलोनी हो, अब नए जो नियम आए हैं कॉलोनाइजर वाले, उन नियमों के तहत कुछ प्रतिशत जो प्लॉट है ना वो गरीबी रेखा वाले लोगों को आपको देना ही है सब्सिडाइज फॉर्म में। स्कूल के लिए आपको जगह छोड़नी है, 1/3 भाग गार्डन के लिए छोड़ना ही छोड़ना है। अब ऐसा इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, मान लो कोई बहुत छोटी सी बात है, आपने PIL दायर कर दी, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी क्योंकि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। काय का हनन हो रहा है? अधिकारों का, है ना। यही तो चीजें हैं जिन जनता को पता नहीं है, और जो बड़े लोग होते हैं वो नुकसान फायदा उठा लेते हैं इनका, ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें, खैर हम इनकी बात नहीं कर रहे थे, हमने 4-5 बातें की फंडामेंटल राइट होते क्या, ठीक है। PIL एक उपकरण है जिसके माध्यम से आप फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, उनको सुरक्षित रखते हैं, है ना। 1987 में PN भगवती जब देश के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, है ना, प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए भारत में PIL के जन्मदाता PN भगवती माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? PN भगवती, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार ना। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, मूल अधिकार एवं कानूनी अधिकार में अंतर। मूल अधिकार संविधान में है, कहां है इनका उल्लेख? संविधान में। जबकि कानूनी अधिकार जो होते हैं इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, ये अलग से कानून बना के दिए जाते हैं। जैसे RTI, इसका उल्लेख संविधान में डायरेक्ट नहीं है, RTI का एक्ट बनाया, एक अलग से कानून बनाया RTI का, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो एक अलग से नियम बनाया, राइट। तो मूल अधिकार कहां होते हैं? संविधान में। जबकि कानूनी अधिकार कहां होते हैं? अलग से कानून बना के दिए जाते हैं, ठीक है, संविधान में नहीं होते। पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट समझो, बताओ जरा, मूल अधिकारों की गारंटी होती है कि नहीं होती है? जबकि कानूनी अधिकारों की गारंटी नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो जाए तो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मूल अधिकारों के मामले में, ठीक है, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट।
ये आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जबकि कानूनी अधिकार के मामले में पहले मामला लोअर कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सबसे पहले मामला कहां जाएगा? अरे काय में, कानूनी वाले में, हाँ लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा सबसे पहले। ठीक है, जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं अपन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। ठीक है, काय में, कानूनी वाले में। ठीक, अब इसमें लिख लेंगे मूल अधिकार में, इसमें संशोधन विशेष बहुमत से होता है, यानी फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं कैन बी अमेंडेड ओनली थ्रू द स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें लिखेंगे साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है ना। इसमें लिख लेंगे मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। जबकि कानूनी अधिकार जो होते हैं इनका संरक्षक कार्यपालिका करती है इनका संरक्षण। ठीक है, जो आईएएस अधिकारी मतलब जो भी अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो इसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? कोई समस्या है? अब एक बार इसको रिवाइज करेंगे पूरे को कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। मूल अधिकार की अगर बात करें तो संविधान में उल्लेख है, कानूनी अधिकारों का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान ने गारंटी दी है, ऐसा कोई प्रावधान इसमें कानूनी अधिकार में नहीं है। इसमें मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, उसमें मामला पहले लोअर कोर्ट में जाएगा फिर आगे बढ़ेगा। इसमें इनका संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और उसमें कार्यपालिका है ना। तो ये एक बेसिक अंतर है। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं, है ना। ये पूरा मेंस का पोर्शन है बेटा, ध्यान रखिएगा। मतलब प्री में भी इसमें पूछा जाते हैं क्वेश्चन फैक्चुअल, जैसे 226 आर्टिकल जो है उसके तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। ठीक, चले मूल अधिकारों की विशेषताएं लिख लो। इनकी प्रकृति सीमित है, इनकी प्रकृति कैसी है? सीमित है, अर्थात इन पर प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है, इन पर प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है। ये व्यक्ति तथा नागरिक दोनों को दिए गए हैं। व्यक्ति तथा नागरिक दोनों को दिए गए हैं, परंतु व्यक्तियों को नागरिकों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, हाँ। ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही बताया था कि व्यक्ति और नागरिक क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले शुरुआत के बिल्कुल शुरू के अटेंड लेक्चर अटेंड किए, एक घंटे का किया, तो व्यक्ति और नागरिक का अंतर मैंने बताया था। देखो
यह है व्यक्ति और यह है नागरिक। जब मैं बात करता हूं नागरिक की, तो आप पूरी दुनिया के लिए व्यक्ति हैं, लेकिन आप सिर्फ भारत के लिए नागरिक हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अभी भारत में कई सारे सब जितने भी लोग अभी भारत में रह रहे हैं सब व्यक्ति हैं, पर नागरिक उनमें से कुछ ही हैं, है ना। जैसे अमेरिका का कोई आदमी अभी भारत में हो अगर घूमने फिरने आया हो तो क्या वो नागरिक है? पर वो व्यक्ति तो है ना। समझ में आ गई बात? तो अब नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को होता है। अमेरिका का आदमी यहां घूम रहा है, यहां चुनाव चल रहे हैं, वोट डाल लेगा क्या वो? क्यों? नागरिक नहीं है, लेकिन तुम वोट डाल सकते हो। लेकिन तुम अमेरिका में जाके वोट डाल सकते हो क्या? क्यों? समझ में आ गया कहानी? लेकिन तुम व्यक्ति भी हो और नागरिक भी हो। अच्छा, लेकिन अमेरिका के आदमी को क्या भारत में जीने की आजादी नहीं दी गई है? दी गई है। लेकिन क्या उसे नौकरी करने का अधिकार है भारत में? नहीं है। समझ में आ गए? तो उसे फंडामेंटल राइट में जीने की आजादी है, उसे बोलने की आजादी है, पर सीमित सीमित। सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है, पर हम कर सकते हैं सरकार की आलोचना। क्यों? क्योंकि हमने वोट देके सरकार बनाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो फंडामेंटल राइट व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिए गए हैं, पर नागरिकों को ज्यादा है और व्यक्तियों को कम। समझ गए? ठीक है, चल लिख लेंगे। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को दिए गए हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को दिए गए हैं, व्यक्तियों को नहीं। ठीक है, अधिकांश मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, है ना। मतलब जो राज्य है ना उसके अगेंस्ट में दिए गए। राज्य मतलब कि देश, है ना। अभी बताऊंगा राज्य के की परिभाषा में कौन कौन शामिल है। ठीक, नेक्स्ट है, एफआर की प्रकृति सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की है। मतलब मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, क्या किया जा सकता है? निलंबन, है ना। परंतु 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता, है ना। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 का निलंबन नहीं हो सकता। चलो ठीक है, हेडिंग डालेंगे भारत में मूल अधिकारों का विकास। भारत में मूल अधिकारों का विकास, लिखे। सर्वप्रथम मूल अधिकार फ्रांसीसी क्रांति। सेवनटीन एट्टी नाइन
के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुए, है ना। सबसे पहले कौन सी क्रांति के माध्यम से आई है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुए। 1791 में यूएसए के संविधान में यूएसए बिल ऑफ राइट्स, यूएसए के संविधान में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई। बिल ऑफ राइट की घोषणा की गई। भारत में 1895 में स्वराज्य बिल में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। स्वराज्य बिल में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इस मांग को पुनः दोहराया गया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इस मांग को पुनः दोहराया गया। १९२८ की नेहरू रिपोर्ट तथा 1930 के कराची अधिवेशन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट तथा 1930 के कराची अधिवेशन में भी इनकी मांग की गई थी। 1930 के कराची अधिवेशन में भी इनकी मांग की गई थी, परंतु फिर भी ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल नहीं थे। जब भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, अगला पद, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार समिति का गठन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार समिति का गठन किया गया था, ठीक है, है ना। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन यह भी मिल जाता है कि संविधान में मूल अधिकार को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसमें 54 मेंबर थे। इसका नाम था मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। क्या नाम था? फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी, ठीक है। इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक।
तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा ओवरऑल चीजें समझी हैं। अब हम इसके बारे में आर्टिकल पढ़ने शुरू करते हैं। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट संविधान के भाग किस में? तीन में, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक दिए गए हैं। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। लेकिन अगर मूल हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के और 32 तक है, ठीक। तो 32 के बाद 33, 34, 35 और इधर 12 और 13, है ना। और मूल फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है मैडम? आपको अगर एक हीरा दिया जाए ना, आपके हस्बैंड जो है वो एक बेहतरीन हीरा लेकर के आए और आपको दें और कहें कि इसको संभाल के रखो, कहाँ रखोगे इसको? पास में कहाँ? आदमी सामान्य तौर पर इतनी कीमती चीज को कहाँ रखता है? लॉकर में, तिजोरी में, है ना, मतलब सुरक्षित, चारों तरफ से पैक। हमारे संविधान में ये जो हीरा है ना, ये फंडामेंटल राइट है और इसको हमने रखा है लॉकर में। कहां रखा है? लॉकर में। तो लॉकर के मतलब जहां पे वो हीरा होगा उसके आगे एक मजबूत दीवार और उसके पीछे एक मजबूत दीवार, यही तो है लॉकर, है। तो देखो मूल फंडामेंटल राइट जो है वो कहां से कहां तक है? 14 से 32, उसके आगे दीवार कौन? 12 और 13, और उसके पीछे दीवान 33, 34 और 35। समझ में आ रही कहानी, है ना। अच्छा मुझे बताओ, वो लॉकर जिस कमरे में रखा है उसके आगे आपने सिक्योरिटी पर किसी को बिठा रखा है तो उसको क्या बोलेंगे आप? सिक्योरिटी गार्ड, है, क्या बोलेंगे? प्रहरी, पहरेदार। तो बताओ फंडामेंटल राइट का पहरेदार कौन हो गया? 13, ठीक। पहले कौन मिलेगा? पहरे। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ मूल अधिकार का प्रहरी कौन है? आर्टिकल नंबर 13। कहानी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? मूल अधिकार का प्रहरी पहरेदार पिया का, आर्टिकल 13, ठीक है। अच्छा आर्टिकल 13 विशेष भी है, अभी बताएंगे हम, इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे विशेष है, ठीक है। तो हम एक एक आर्टिकल समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम आर्टिकल नंबर 12, लिख लो आर्टिकल 12। अच्छा समझे जरा, मैं इस केन को कुर्सी कहूं, मैंने कहा ये केन कुर्सी है, तो तुम पानी कहां से भरोगे बताओ? कुर्सी से। मैंने इस केन का नाम रख दिया कुर्सी, तो तुमने पानी कहां से भरा? कुर्सी से, है ना। तो आप घर पे जाके कह रहे हो कि हमने वहां पे कुर्सी से बोतल भर ली थी और पी ली, तो सब कहेंगे तुम पागल हो, कुर्सी से बोतल कैसे भरोगे? तो कुर्सी में क्या पानी होता है क्या? क्योंकि उनने जो परिभाषा समझ रखी है वो अलग है और तुमने जो परिभाषा समझ रखी है वो अलग है, इसलिए अंतर आ गया दोनों में। हमको अपनी परिभाषाएं क्लियर करनी पड़ेंगी, है। इसीलिए संविधान का मूल अधिकार वाला जब विषय शुरू हुआ तो उसमें शुरू होने के साथ ही सबसे पहले परिभाषा क्लियर होनी चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 12 जो है वो परिभाषा बताता है। क्या बताता है? परिभाषा। काय की परिभाषा? मैंने कहा कि मूल अधिकार जो है ना वो आपको मिलेंगे, अधिकार आपको, अधिकार है तो आप पूछोगे ना किससे मिलेगा हमें। मैं कहा तुम सबको 1-1 लाख रुपए मिलेगा, खुश होके घर चले जाओ। कब मिलेगा?
किससे मिलेगा, कौन देगा, किस्तों में मिलेगा, क्यों देगा, क्या करना है उसका, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सशर्त मिलेगा, सब बातें क्लियर करनी पड़ेंगी ना। अब मैंने कहा 1,00,000 मिलेगा और तुमने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, घर जाके चद्दर तान के तुम भी सो गए, मैं भी सो गया, ना देने वाले को होश ना लेने वाले को होश। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो आपको मिले हुए अधिकार हैं और ये अधिकार आपको सुरक्षित रखते हैं, किससे, राज्य से। तो अब राज्य का मतलब क्या पता होना चाहिए ना, है राज्य में किसको शामिल करेंगे और किसको नहीं करेंगे, और अगर ये पता ना हो तो फिर मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं। कब वो 1,00,000 का आपने बोला, हाँ बोला था ना 1,00,000 मिलेंगे तुमको, कब मिलेंगे, आज के 150 साल बाद, 150 साल बाद आना, तुम 150 साल जिंदा रहोगे, तुम खुश ही नहीं होते अगर ये कहा जाता है 1,00,000 मिलेंगे पर रोज का 1 रुपये मिलेगा, रोज का 1 रुपये, तो तुम 50 रुपये ऑटो के खर्च करके 1 रुपये लेने आओगे मेरे से रोज। मैंने बाद में शर्त ऐसी रख दी कि वो मिले ना मिले बराबर हो गए। मैं अपनी बात से मुकर रहा हूं क्या, मैं तो 1,00,000 रुपये दे रहा हूं ना आपको, रोज का 1 रुपये दूंगा और मेरे घर आके लेना पड़ेगा वो, अब तुम बताओ लेने आओगे मेरे से 1 रुपये रोज, और तुम आओगे नहीं तो मैं दूंगा नहीं, मैंने तो अपना वादा पूरा कर रहा हूं। होता क्या है ना, कोई अधिकार जब दिया जाता है तो बात शुरुआत में क्लियर कर लेनी चाहिए, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। संविधान पढ़ने का यही फायदा है, संविधान पढ़ना और कानून पढ़ना, इसका फायदा यह है कि आपको चीजें क्लियर करना पता चल जाता है। नहीं तो बाद में उस आदमी ने तुम्हें मना नहीं किया है पर उसने शर्त ऐसी रख दी कि तुम वो चीज ले ही नहीं पा रहे हो, है समझे। जैसे वर्ल्ड बैंक ऐसे ही करता है, वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देता है ना, भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेना ही बंद कर दिया, या दुनिया के तमाम देश वर्ल्ड बैंक से डरते हैं, वर्ल्ड बैंक ऐसा ऐसी स्थिति में करता है कि भाई वर्ल्ड बैंक से आप लोन लोगे वो शर्त रखेगा कि इस पैसे को हमारे हिसाब से खर्च करना पड़ेगा, पहली चीज किसके हिसाब से, दूसरी चीज हमारा एक आदमी आपके साथ जाएगा जो बताएगा कैसे खर्च करना है। अच्छा तुम लोन तो वापस लोगे ही हमसे, पर वो पैसा खर्च कहां करना है ये हमें तुम बताओगे, मतलब मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए उधार दूं, मैं 1,00,000 रुपए ब्याज सहित लूंगा तुमसे, लेकिन तुम वो 1,00,000 कहां खर्च करोगे ये मैं बताऊंगा, और मेरा एक बंदा जाएगा तुम्हारे साथ में जो 25,000-30,000 रुपये महीने लेगा तुमसे और तुम्हें यह बताएगा कि वो पैसा कहां खर्च करना है, तो तुम तुरंत कहोगे हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या, हम तुमसे लोन क्यों लें। अच्छा ये क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है, तुरंत ही कहेगा कि वो तुमने लोन लिया ना हमसे तो तुम्हें ये पैसा गरीबी हटाने में खर्च करना है। आप मुझे बताओ गरीबी हटाने के लिए आपको रुपए में खर्च करना पड़ेगा भारत में कि डॉलर में, रुपए में, और आपको लोन काय में मिला है डॉलर में, तो जब रुपए में ही खर्च करना है तो हम खुद छाप के खर्च कर लें, डॉलर में उधार क्यों लें। कहानी एक क्लियर हुई। दूसरी चीज समझो जरा, ये तुरंत आपके ऊपर सेंशन लगाएगा, ये कहेगा प्राइवेटाइजेशन करो चीजों का, अपने देश में पानी का धंधा शुरू करवाओ, कौन करेगा शुरू, अमेरिकन कंपनी आएंगी वो शुरू करेंगे, तो पानी बोतल में भर भर के बिकने लग गया, 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए, जबकि ये तो फ्री की चीज है ना। हमारे देश में सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता था पानी पिलाना, है अब हवा बिकने लगी भाई साहब, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन हवा बिक रही, हवा आपको पता है ना, दिल्ली जैसे शहरों में एयर प्यूरिफायर लगता है घर में,
अभी अभी तो छोड़ दो, अब होगा शुरू खेला। एयर प्यूरिफायर हवा को प्योर कर देता है, क्योंकि आप दिल्ली में सिर्फ सांस ले रहे हो ना, सांस, तो आप उतना नुकसान पहुंचा रहे हो शरीर को जितना 20 सिगरेट पर डे पीने में होता है। 20 सिगरेट पर डे पीने से आपके फेफड़ों को और आपकी बॉडी को जितना नुकसान होता है, इतना आपको सिर्फ सांस ले लेने से है। अब जो दिल्ली में सुबह सुबह अनुलोम विलोम कर लिया आपने, तो आपका अनुलोम विलोम हो ही गया मान लो ना, आपकी कपाल भाती में आपका कपाल ही निकल जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये चीजें होनी शुरू हुई ना, है ना, क्यों? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगीकरण के कारण। ठीक, तो आपकी परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए। इस वजह से आर्टिकल नंबर 12 में पहले क्या दी गई भाई? परिभाषाएं दी गई। ठीक, परिभाषाएं चलो लिख लेंगे, है ना, लिखेंगे। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य की परिभाषा से होती है। संवैधानिक आधार पर राज्य में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। संवैधानिक आधार पर राज्य में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। नंबर एक, केंद्र सरकार एवं संसद। केंद्र सरकार एवं संसद, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार एवं राज्य विधायिका, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार एवं विधायिका, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जैसे जिला पंचायत, नगर निगम, आदि। अन्य सरकारी कंपनियां जैसे भेल, गेल, सेल, ONGC, आदि। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह निजी कंपनियों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकती है। इसके अंतर्गत शामिल कर सकती है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर? कोई समस्या? तो ये आपका आर्टिकल नंबर क्या हो गया? 12, है ना। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। अब जब भी मैं कभी आपसे कहूंगा राज्य, तो आप क्या समझेंगे? ये जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ना, इन सबको राज्य माना जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा राज्य तो मतलब क्या? केंद्र सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा
राज्य की विधानसभा, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, नगर निगम, है ना, और अन्य सभी सरकारी निकाय, ठीक। इन सबको आप क्या समझेंगे? राज्य। क्लियर? चलिए अगले हटेंगे आर्टिकल नंबर 13। क्या बोलते हैं इसको? मूल अधिकारों का प्रहरी। मूल अधिकारों का क्या? प्रहरी। चलिए लिखेंगे। राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो अथवा छीनती हो। मूल अधिकारों को कम करती हो अथवा छीनती हो। यदि ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है भाई, अब यहां पर एक बात समझने वाली है। यह कहा गया है कि कौन? राज्य क्या नहीं करेगा? विधि नहीं बनाएगा। कैसी? कैसी? ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट को क्या करती हो? कम करती हो। बहुत ध्यान से सुनो, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो या उन्हें छीनती हो। मतलब मूल अधिकारों में कटौती करने वाली कोई भी कानून नहीं बनाएगा। कहानी क्लियर हो गई? ठीक। अब एक समस्या है। समस्या, संविधान में एक आर्टिकल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि इस ये संविधान की मूल जड़ है, मूल जड़, और सारी समस्याओं की भी मूल जड़ है, और यहीं से केशवानंद भारतीवाद निकलेगा। केशवानंद भारतीवाद सुना है? हमारे भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कोर्ट केस, जिसमें 13 जज बैठे थे। कितने जज? 13 जज, और 13 जज भी निर्णय नहीं ले पाए कि करना क्या, वो यहीं से निकला। अब आर्टिकल नंबर 13 में क्या बोला गया? ये पता चल गया आपको। आर्टिकल 368 जो है ना, इसमें यह कहा गया है कि संसद, अब क्या संसद राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है? आती है? संसद को राज्य बोल दूं ना मैं? क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 में हमने पढ़ी राज्य की परिभाषा, और उसमें साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि संसद को राज्य माना जाएगा। ठीक। तो आर्टिकल 368 कह रहा है कि संसद को अधिकार है, कि विधि बनाकर संविधान के किसी भी भाग में
संशोधन कर सकती है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। संसद को अधिकार है कि विधि बनाकर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 13 में क्या कहा है कि राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो। और इसमें क्या कहा है कि संसद विधि बनाकर के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो संशोधन में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, हाँ या ना। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये फंस गई कि क्या संसद मूल अधिकार को संशोधित कर सकती है, क्योंकि 368 में लिखा है कर सकती है, और इसमें ये लिखा है कि ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो हार्म करता हो, और इसमें लिखा है कि संशोधन कर सकती है, मतलब कैसा भी संशोधन कर सकती है, हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, हाँ या ना, हैं? एक में उसी चीज के लिए मना किया और एक में वही चीज करने के लिए कह दिया, तो अब कंफ्यूजन में है कि करें कि ना करें। तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, पिताजी का आदेश है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, और मम्मी ने कहा कि चिंटू सब्जी ले आना, अब क्या करें, अब क्या करें। मम्मी की नहीं माने तो मम्मी ने कूटा, वो बाहर निकल गए तो पापा ने कूटा, तो कूटना तय हो गया अब, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि दो विरोधाभासी आदेश एक ही साथ मिल गए, तो यही तो हमारी संसद के साथ हो गया। तो संसद ने कहा कि रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब यहां से आया विवाद, क्या आया विवाद। अब विवाद देखो जरा, क्या विवाद हुआ, बहुत ध्यान से समझना। एक आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 31, इसमें दिया था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। अब संपत्ति का जो अधिकार दिया था, इसका मतलब था लोगों को संपत्ति का अधिकार जो है उनका फंडामेंटल राइट होगा, है ना, मूल अधिकार होगा। ठीक, अब जब देश हमारा आजाद हुआ और हमको डेवलपमेंट करना पड़ा, तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना था, बांध बनाने थे, सड़कें बनानी थी, हाईवेज बनाने थे, सब चीजें करनी थी, तो इनके लिए हमें क्या जरूरत थी, जमीन की। और जमीन किसकी है, लोगों की। तो सरकार जब भी जमीन मांगे तो लोग दे नहीं, और सरकार जबरदस्ती छीन ले तो वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चली जाए, 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाए, और हाई कोर्ट तुरंत सरकार को लताड़ लगाए, क्यों भाई तुम्हें पता नहीं है फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, तुम कैसे छीन सकते हो उनकी जमीन, चलो वापस करो। तो अभी हाईवे बने कहां, ऊपर ही ऊपर निकाल दें क्या, आसमान में हाईवे बना दें, बांध कहां बनेंगे, जमीन पे ही बनेंगे ना, रेलवे ट्रैक कहां बनेंगे, जमीन पे, और जमीन सरकार के पास है ही नहीं। कहानी क्लियर हो गई। तो सरकार ने संविधान में पहला संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, या भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून लिया है, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके, तो 368 से संसद ने ऐसी विधि बना दी जो क्या कर रही थी, मूल अधिकारों का अल्पीकरण। तो 368 का इंप्लीमेंटेशन जैसे हुआ तो आर्टिकल नंबर 13 का उल्लंघन हो गया, और आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो
देखो लास्ट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे क्या कर देंगे। कहानी क्लियर हो रही। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर देंगे उसको, असंवैधानिक। ठीक। अब ये भूमि अधिग्रहण तो ले ही आए, इसके साथ ही नौवीं अनुसूची जोड़ दी इनने, पढ़ाई थी मैंने। नौवीं अनुसूची में जो भी विषय होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल सकता है, और भूमि अधिग्रहण को डाल दिया नौवीं अनुसूची में ताकि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल ही ना पाए, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी मुंह बंद। कहानी क्लियर हो गई। अब मामला बिगड़ गया, और मामला इतना बिगड़ा कि लड़ाई शुरू हो गई। आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। ठीक। तो हेडिंग डाल लो आर्टिकल 13 और 368 से के विवाद से संबंधित कोर्ट केस। विवाद समझ में आया ना है? अब ये इतना बड़ा विवाद है, अभी तक चल रहा है संसद और सुप्रीम कोर्ट का विवाद, अभी तक चल ही रहा है मान लो आप। ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 हो गया। तो पहला कोर्ट केस इसमें आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। कौन सा कोर्ट केस था? ठीक है। कब आया था? 1951 में कोर्ट केस हुआ था ये। ठीक। क्योंकि 1951 में 1951 में ही तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में ही तो नौवीं अनुसूची जोड़ी थी। मैंने अनुसूचियां पढ़ाई हैं आपको, पढ़ाई है ना, तो पहली अनुसूची के बाद ही आ गया था ये कोर्ट केस। लिख लो इसमें, इस वाद में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला आया कि इस वाद में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला आया कि क्या संसद एफआर में संशोधन कर सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को एफआर में संशोधन करने का अधिकार है। क्योंकि आर्टिकल 368 में प्रयोग किया जाने वाला विधि शब्द विधि शब्द है ना, आर्टिकल 368 में प्रयोग किया जाने वाला विधि शब्द आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द से बड़ा है। ना बड़ा है। ठीक है भाई। ठीक।
तो संसद को भैया मौका मिल गया, कौन सा बड़ा है 368, यानी अब तो करो धड़ल्ले से संशोधन, तो संसद ने और संशोधन शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो सब अब दूसरा केस आया सज्जन कुमार वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 में। नेक्स्ट लिखो सज्जन कुमार ना, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। हाँ लिख लो। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले मामले का ही अनुसरण किया। ठीक। अगला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो उसके ऊपर आईएमपी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया। और कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती। देखो इधर समझो सब लोग, एक है परिवार ए और एक है परिवार बी। परिवार ए की कुल आय जो है वो 2,00,000 रुपए महीना है, परिवार बी की कुल आय जो है वो 5,00,000 रुपए महीना है। कौन सा परिवार अमीर है? हैं? बी वाला। तय बात है, परिवार ए की कुल आय 2,00,000 रुपए महीना और परिवार बी की कुल आय 5,00,000 रुपए प्रति महीना, कौन सा परिवार अमीर है? बी वाला। सबको पता है परिवार बी के पास जो है वो 20 सदस्य हैं और परिवार ए के पास जो है वो 2 सदस्य हैं। कौन सा परिवार अमीर है? कितनी जल्दी निर्णय बदले तुम्हारे हैं? अब मामला समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले कुछ और है और बाद में कुछ और है। क्यों? क्योंकि डेटा चेंज हो गया। जैसे ही एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है हमारे निर्णय बदल जाते हैं। हमने नहीं बदले निर्णय, कोई नया फैक्ट अगर ऐड हो गया है तो उसकी वजह से निर्णय बदलना ही पड़ेगा। आप पहले भी गलत नहीं थे और अभी भी गलत नहीं हो, लेकिन आपका निर्णय पूरी तरह से बदल गया। पहले आपने कहा था ए बी परिवार अमीर है और फिर आपने कहा ए परिवार अमीर है ना। ठीक,
लेकिन अब देखो ये जो ए परिवार है, इन परिवार में दो सदस्यों में से एक सदस्य बहुत भयंकर बीमार है और इसके इलाज में 10 लाख रुपए महीना खर्च हो रहा है। अब कौन सा परिवार अमीर है? देखो जंपिंग जैक बने हुए घूम रहे हो तुम। समझ में आई कहानी की नहीं आई है? हम जितना बेहतर तरीके से डेटा कलेक्शन करेंगे हमारा डिसीजन उतना बेहतर सही होगा। इसीलिए कोर्ट के केसेस में डिसीजन आने में इतना समय लगता है क्योंकि जजेस जो है वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। अब ये बात अलग है कि कई बार निर्णय लेते लेते में इतना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि वो फिर तब तक आदमी ही ना बचे, है ना? ठीक है, चल आप समझ में आ गए मैडम, आपके सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है चल, क्या बताया मैंने? और कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है क्योंकि मूल अधिकार मौलिक तथा अनिवार्य हैं और इन पर पहले से ही कई प्रकार के संशोधन लगे हुए, कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे भावी परिवर्तन का सिद्धांत। भावी परिवर्तन का सिद्धांत लिखेंगे। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भावी परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार संसद के द्वारा पूर्व में किए गए परिवर्तन विधिमान्य हैं। संसद के द्वारा पूर्व में किए गए परिवर्तन विधिमान्य हैं, परंतु भविष्य में कोई नया परिवर्तन